नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्री बढ़िया दैत में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी किसान भाइयों के लिए आलू के भाव लेकर। और दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आज आलू में क्या स्थिति है, कोल्ड स्टोरों की तरफ किसान भाई क्यों कम जा रहे हैं इस समय आलू बिक्री करने के लिए, ऐसा सुनवाई में आ रहा है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। वैसे दोस्तों अगर कोल्ड स्टोरों पर जाओ देखो, अगर मैं टूनला पचोकरा से निकलता हूँ आगरा तक जाता हूँ तो हर कोल्ड पर 2 गाड़ी 3 गाड़ी 4 गाड़ी लोडिंग मिलेगी। अब वो लोडिंग जब लोग कह रहे हैं कि किसान कम आ रहे हैं, एक दो लोगों से बात हुई, एक दो कोल्ड स्टोर मालिकों से बात हुई, वो कह रहे शर्मा जी किसान थोड़े कम आ रहे हैं, बिक्री कम कर रहे हैं, तो उसका भी कारण बताएंगे कि कारण क्या है, क्या चक्कर है। दोस्तों तो आज थोड़ा लेट हो गया वीडियो, उसका भी कारण बताऊंगा क्या कारण था। तो दोस्तों जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें। और आज हम दोस्तों बात करेंगे कि मंडियों में क्या है स्थिति आज आलू के भाव की। तो सबसे पहले आप लोगों को बताऊं दोस्तों, रात को 12 बजे तक तो मैं भी खेतों पर ही रहा, करीब करीब 12:45 बजे मैं घर आया। क्या कारण, एक तो बाजरा गर्मियों वाला किया था आलू खोदने के बाद, घरसाली करते हैं हम, क्योंकि उसकी क्रम क्या है कि खेत में जुत जाती है और बाजरा बाल बाल उसकी काट लेते हैं। और दोस्तों स्थिति ये हुई कि कट नहीं पाए, पहले तो बारिश होती रही कई दिन से बाजरा, अब जब कटे तो उसके बाद फिर ऊपर से बारिश हो गई। अब जब वो खड़े हुए थे तब तक बाल, तब तक क्वालिटी थोड़ी 19 तो हुई, पर दोस्तों नुकसान कुछ नहीं था। अब जो कटे पड़े हैं वो स्थिति ये है कि बाल हो गई गीली, और गीली हो गई और कई कई तो उगने लगी, स्थिति ये हो गई। आप जो समझो बाजरा कटा पड़ा है और कुछ इकट्ठा हो रहा है धीरे धीरे करके, कुछ बड़ा स्थिति खराब है। आप जो समझो जिसकी कुटाई में 2 घंटे लगते थे उस कुटाई में 6 घंटे लगे, कल रात को 12 बजे तक खेतों पर रहे, ठीक है। तो ये है किसान का काम। दूसरा क्या है कि कुट के आ गया फिर घर, और घर पे आ गए फिर शेड में खड़ा किया उसको, अब फिर सुबह दिन में सुखाने का काम चल रहा है उसका, तो बड़ी वैसी स्थिति है किसान की। लोग कहते हैं कि किसान को मेहनत, आप जो समझो इतनी मेहनत है कि एक एक फसल को काट कर घर तक लाने में या आलू को खोद कर घर तक लाने में इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियाँ हैं कि पूछो मत। पर यह है कि मेहनत के मामले में किसान सबसे आगे रहते हैं और रहना भी चाहिए दोस्तों, चाहे कोई भी हो। अब किसान परिवार से हम भी जुड़े हुए हैं और हम भी इस खेती ही है हमारा मेन उद्देश्य मेन काम, तो हम भी लगे रहते हैं दोस्तों इसी में ही। तो आप जो समझ लो कि आज लेट हो गए, उठने में ही सुबह लेट हो गए, फिर दुकान पर भगे भगे आए, फिर दुकान का काम जो सुबह का होता है उसमें लेट हो गए, फिर उसके बाद दोस्तों तब जाके वीडियो डल रहा है, थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो। बाकी बात करें दोस्तों किसान क्यों नहीं आ रहे कोल्ड पर, तो सबसे बड़ा कारण जो मैंने बात बताई उसी में जवाब है उसका। बाजरा की कुटाई चल रही है, मक्का की कुटाई चल रही है, ठीक है, इस समय धुआंधार लगे हुए हैं लोग दोस्तों इसी काम में। फिर बरसात वाला बाजरा की बुवाई चल रही है, झांझा ओट आ गई है, कहीं कहीं कंप्लीट भी हो चुकी है। तो दोस्तों और जिन लोगों को बिक्री करने जाना है वो फोन पे भी बता देते हैं और बिक्री हो रही है उनकी। निकासी की बात करें तो मैं कोल्ड स्टोर, मेरे ही गांव में 2 कोल्ड स्टोर है, एक पे कर रात को मैंने परसों देखा तो 4 गाड़ी खड़ी हुई, लोड खड़ी हुई थी। अब गाड़ी भी आपको दोस्तों बता दूं कि 20-20 टन की गाड़ी नहीं लोड होती है, अब तो 30-30 टन की गाड़ी लोड हो के जाती है, 650-700 कट्टे लोड हो के जाते हैं गुल्ले खुल्ले के, तो नहीं जो 500 कट्टे से कम की तो गाड़ी आती नहीं है कोल्ड स्टोर पर लोड होने के लिए। तो निकासी तो दोस्तों जिस हिसाब से चलनी चाहिए चल रही है। बंगाल में निकासी सुपर फास्ट है, बंगाल में निकासी की स्पीड बढ़ी है और बंगाल में आलू खूब अच्छी है, रेट भी बिक रहा है, 10 रुपये टाइट भी हो रहा है और निकासी भी बढ़ जाती है। तो ये भी एक किसान भाइयों के लिए एक अच्छी संकेत है, अच्छा खुशखबरी है। तो बाकी सब लोगों से निवेदन है आलू की बिक्री करें समय समय पर, ज़रूरत के अनुसार अब बिक्री करने का समय है। आलू की बिक्री सभी किसान भाइयों को करनी चाहिए। 200 से लेकर 250 रुपये कट्टे वाले जो दावे करने वाले थे वो अपने बिल में घुस गए, जो चूहा नहीं घुस जाता बिल में ऐसे घुस गए। हमने दोस्तों शुरू से आप सब लोगों के साथ काम किया, डराने का काम कभी नहीं किया मैंने। आलू खुदाई से लेके आलू की अब तक जो बिक्री हो रही है मैंने आप लोग कभी नहीं डराया, मैंने कभी नहीं कहा कि ये होगा कि वो होगा। लोग दो तरह की बातें करते हैं, अपने आप को बहुत बड़े विद्वान समझते हैं उसके बाद भी कोई स्पष्ट किसानों को बात नहीं बता पाते, ठीक है। आप जो समझें दोस्तों कुछ अपना पर्सनल ओपिनियन, जब हमारे साथ 1 लाख किसान के लगभग जुड़ा हुआ है तो हमारा पर्सनल ओपिनियन भी काम करना चाहिए। अब आप बताओ 1 लाख किसान जुड़े हुए तो कम से कम उसमें से 2-4 हज़ार किसान तो आपको मैसेज भी करते होंगे, 2-4 हज़ार किसान आपको अपनी जानकारियाँ भी साझा करते होंगे, आप अपडेट भी लेते होंगे, तो इस अपडेट को हमको आपके साथ साझा करना चाहिए। मेरे को नहीं डर है, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि धीरे धीरे आलू की बिक्री करते रहें तो इसमें बुराई वाली बात क्या है, आप धीरे धीरे बेचेंगे तभी तो आप धीरे धीरे अपना ख़त्म कर पाएंगे आलू। कोई ऐसा तो है नहीं कि आज आपने आलू कोल्ड में रख दिया और 10 साल चलेगा वो, ठीक है। तो लोग बच के निकलना चाहते हैं, लोग आदमी कोई एक लोगों के लिए एक, अगर आपसे लोग विश्वास कर रहे हैं तो एक ये नहीं है कि आप एक बढ़िया, या तो किसी के बहकावे में लोग काम करते हैं या किसी से डरते हैं,
या स्टॉक करने वालों से डरते हैं। स्टॉक करने वाले क्या करते थे, किसान को आलू महंगा सौदा करा दी, पर्चियां डाल डाल के किसान रोक दिए और अपना आलू निकाल दिया। अब ऐसा हो नहीं पाता है। अब हम तो ये कह रहे हैं स्टॉक वालों को भी पैसा मिले, भाई वो पैसा लगा रहे हैं, और किसानों को भी भरपूर पैसा मिले। पहले सबसे पहले किसानों को पैसा मिलना चाहिए और भरपूर लागत मूल्य से अच्छा मार्जिन मिलना चाहिए दोस्तों। ठीक है, लंबा लेक्चर हो गया पर लेक्चर जरूरी है। बात करें दोस्तों शुरुआत से मंडियों की, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे फटाफट मंडियों के भाव बताऊंगा मैं, क्योंकि मैं 12 एक बजे तक जगा हूं, रात को 1 बजे सोया हूं और मुझे आ रही है नींद, सुबह लग जग गया मैं 5 बजे। ठीक है, तो बात करें दोस्तों बेंगलोर मंडी की, तो बेंगलोर मंडी में आज लगभग 18,000 कट्टे की आमदनी है। एक्स्ट्रा सुपर आलू बिके 17 से लेकर 18 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी के 15-16-17 रुपये किलो दोस्तों आलू बिक रहे हैं बेंगलोर में। बात करें मधुबन चंपारण की, बिहार की, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा सुपर आलू बिके हैं आज गुल्ले 11-12 रुपये, 12.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी के 10 से लेकर 11 रुपये किलो। हॉलैंड बिक रहा है 15-16 रुपये, 16.5 रुपये किलो तक, और हल्की क्वालिटी का 13 से लेकर 14 रुपये किलो। लाल आलू वालों की बल्ले बल्ले है, 100 से लेकर 150 रुपये कट्टा फालतू बिक रहा है दोस्तों, महंगा बिक रहा है लाल आलू। बात करें बाराबंकी की, तो सिंदूरी आलू जो बिक रहा है वो एक्स्ट्रा सुपर 550 से 600 रुपये कोल्ड स्टोरों पे दोस्तों। कल भी मैंने बताया था कोल्ड स्टोरों के, आज भी मैंने अपडेट ले ली, हल्की क्वालिटी के 550 से 575 रुपये। बारिश वहाँ भी खूब हुई है, और हरी सब्जी की तो आपको पता ही है, टमाटर 160 रुपये किलो बिक रहा है धड़ल्ले से। अब उसके लिए भी मेरे को थोड़ी लोगों से शिकायत है, अब महंगाई वाले चल रहे हैं, न्यूज़पेपर देखो सब छाप रहे हैं धुआंधार, अरे महंगाई, अरे ये हो गया, जब 5 रुपये किलो बिक रहा था तब सबके मुंह पर ताले लगे हुए थे। तो ऐसा दुबहाई तो किसान के साथ नहीं करनी चाहिए, आप समझ रहे हैं किसान। अब भाई बिल्कुल ऐसे रहो ना, आप कोई काम करो तो अपना तरीके से करो ना। हमें कोई नुकसान है या कोई किसान को नहीं लागत मूल्य मिल रहा तो उसके लिए हया करते हैं, चिल्लाते तो हैं। अब टमाटर महंगा हो गया, 2 पैसे किसानों को मिलने लगे तो क्या बुराई है, उसके लिए भराए उन लगी, देश में महंगाई हो गई, और तब से महंगाई नहीं थी, जब 5 रुपये किलो आदमी को जरूरत नहीं है तो ले लेके घर जा रहा है टमाटर, तब महंगाई नहीं थी। तो किसान के प्रोडक्ट हैं, उनकी महंगाई अगर हो जाती है तो हाया ज़्यादा होने लगती है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। बात करें दोस्तों अहमदाबाद मंडी की, तो अहमदाबाद मंडी में आज आलू की बिक्री है जो एक्स्ट्रा सुपर पुखराज है वो 12 से लेकर 13 रुपये किलो बिका है, हल्की क्वालिटी का 10 से 11 रुपये किलो बिक रहा है। बादशाह बिक रहा है 15 से लेकर 16 रुपये किलो, और हल्की क्वालिटी का 13 से लेकर 14 रुपये किलो। ख्याति आलू बिक रहे हैं 12 से लेकर 13 रुपये किलो, और हल्की क्वालिटी के 10 से लेकर 11 रुपये किलो। तेलंगाना महबूबनगर की बात करें, तो एक्स्ट्रा सुपर आलू आज 16 से 17 रुपये किलो बिका है, हल्की क्वालिटी का 14 से लेकर 15 रुपये किलो बिक रहा है। बात करें कानपुर मंडी की, तो कानपुर में आज थोड़ी सी दोस्तों डाउन है, आज 50 से 60 गाड़ी हैं, और लगभग 50 पैसे की हल्की सी डाउनफॉल बता रहे हैं कानपुर की मंडी में। आज गुल्ला जो सूखा है एकदम VIP क्वालिटी का मोटी टपक्का 11-11.5 रुपये किलो बिके हैं, हल्के क्वालिटी का 9 से लेकर 10 रुपये किलो बिके हैं। हॉलैंड बिक रहा है दोस्तों 13 से लेकर 14 रुपये किलो तक, और हॉलैंड में कोई डाउनफॉल नहीं है, और हल्की क्वालिटी का 11 से लेकर 12 रुपये किलो, और मोटा आलू 11 से लेकर 12 रुपये किलो बिक रहा है, हल्की क्वालिटी का 9 से लेकर 10 रुपये किलो। लगभग 50-60 गाड़ी की आमदनी है, कल से 20 गाड़ी ज़्यादा है आज कानपुर की मंडी में। और आपको पता ही है गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है दोस्तों इस समय, उमस वाली गर्मी, जरा कोई बयां नहीं कर सकते शब्दों में, इतनी भयंकर गर्मी है इस समय। आप जो समझो इससे बढ़िया तो लू चलती है वो बढ़िया लगती है, ना तो हवा पसीना ही सूखता और ना कुछ हो रहा। बात करें दोस्तों दिल्ली आज़ादपुर की, तो लगभग 115 गाड़ी हैं आज दिल्ली आज़ादपुर की मंडी में, और हल्की को अब जो चंदौसी का जो चिप्सोना है वो बिक रहा है आपका 800 से 850 रुपये, और हल्की क्वालिटी का दोस्तों बिक रहा है 600-700-750 रुपये, और चंदौसी का सूर्या बिक रहा है 1050 से 1100 रुपये। मैं तो दोस्तों सूर्या करूँगा अगली साल, लगभग कम से कम मेरा बीज है 20 बीघे खेत के लिए हो जाएगा मेरे पास, कम से 20 बीघा नहीं तो 15 बीघे के लिए हो ही जाएगा, सूर्या करूँगा भैया, सूर्या खूब बिकता है 1050 से 1100 बिक रहा है 50 किलो। हल्की क्वालिटी का सूर्या 700 से लेकर 800 रुपये, जे चंदौसी का बिकता है सूख के आता है जो आज़ादपुर की मंडी में, और 37-97 बिक रहा है 550 से 630 रुपये, हल्की क्वालिटी का 450 से 550 रुपये। ठीक है दोस्तों, और हाइब्रिड आलू वही 450 से 550 रुपये बिक रहे हैं 50 किलो के बाद। बात करें दोस्तों मुंबई की, तो मुंबई में तो आपको पता ही है, मुंबई में लोग कोशिश तो कर रहे हैं कि तेज़ी नहीं बने, आड़ती है तो जो समझ लो भाव के अपडेट करने वाले तो भूल ही जाते हैं तेज़ी को बताना। पर आज की बात करूं दोस्तों मैं, तो एक्स्ट्रा सुपर आलू आज बिके 17 से लेकर 18 रुपये किलो सूखे हुए, कल भी यही रेट बिके थे, हल्की क्वालिटी का 15-16 रुपये किलो। सूखा आलू बिक रहा है आज सूखे आलू में, दो गीले आलू में तेजी है, आज गीले आलू बिके हैं दोस्तों 15 से लेकर 16.5 रुपये किलो तक, 50 पैसे की तेजी है। LR राशन वाला बिक रहा है यूपी का 12-14 रुपये किलो, गुल्ला यूपी का बिक रहा है 10-11 रुपये किलो, MP का लोकर बेपर पास 21 से लेकर 23 रुपये किलो, और MP का ज्योति 19 से लेकर 21 रुपये किलो, और गुजरात का पुखराज 12 से लेकर 13 रुपये किलो। पसीने में नहाया हुआ हूँ दोस्तों मैं, पसीना आ रहा है मेरे, आपको दिखाऊं तो ये हाल है, और पंखा चल ही रहा है। बात करें वेस्ट बंगाल की दोस्तों, तो बंगाल में भी आज लगभग कल वाले ही भाव हैं। एक्स्ट्रा सुपर आलू ज्योति बिक रहा है 750 से 800, ज्योति आंध्रा क्वालिटी का, हल्की क्वालिटी का थोड़ा 700 से 710,
और गड्ढ बिक रहा है 610 से लेके 645 रुपए और लगभग 50 किलो के, ये 50 किलो के दोस्तों तौल के भाव है। बात करें गुवाहाटी मंडी की, तो गुवाहाटी मंडी में आज एक्सा सुपर आलू 17 से लेके 18 रुपए किलो बिके, हल्की क्वालिटी के 16 से लेके 17 रुपए किलो बिके। फरुखाबाद का आलू बिक रहा है 15 से लेके 16.5 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 13 से लेके 14 रुपए किलो बिक रहा है। बंगाल का 12 से लेके 13 रुपए किलो और हल्के आलू 10 से 11 रुपए किलो। बात करें चेन्नई की दोस्तों, चेन्नई में वही भाव बरकरार है। चेन्नई बिक रही है 18 गाड़ी की, आ जाए आमदनी है, दो गाड़ी बढ़ गई। आलू बिके 18 से लेके 19 रुपए किलो वीवीआईपी, हल्की क्वालिटी के 16 से 17 रुपए किलो और हल्के बिक रहे हैं आपके 13 से 14 रुपए किलो। पूना की बात करें दोस्तों, तो लगभग कल के बराबरी गाड़ी है, 24 से 25 गाड़ी है। ऊंचे में 14 से लेके 15 रुपए किलो आलू बिक रहे हैं, हल्की क्वालिटी के 11 से लेके 12 रुपए किलो और हल्का 13 से लेके 14 रुपए किलो। यह है दोस्तों आज के आलू के भाव थे। और आप सभी किसान भाइयों को मैं बताऊं दोस्तों कि आलू की बिक्री अपने जरूरत के अनुसार धीरे धीरे करके करते रहिए और हर तरह के भाव को लेने की कोशिश करिए और हर तरह के भाव में आलू को बेचते रहिए, जिससे आगे कोई अगर गड़बड़ जाला होता है तो आपको नुकसान नहीं हो, तो ठीक है ना, कम से कम एक एवरेज बन जाए। तो ऐसे लोग अगर बिक्री तरीके से करने लगे हैं दोस्तों, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर करना, लाइक करना। धन्यवाद मेरे किसान साथियों, आप सभी किसान भाइयों का दिन शुभ हो।